ये इनके अम्मी अब्बू जो है ना ये इसके अंदर है। ये चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह ये सारे बजीज हैं, लेकिन इतने प्यारी तरह से इन्होंने ये बनाया हुआ है ना। ये कितना इसकी एज होगी, एज कितनी है इसकी? चेक कर चुका है। अब लकी के बच्चे हैं, कितने मंथ के ये? ऐसे उड़ाओ फिर वापस आए तुम्हारे पास। ये देखें जरा ये। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो यार आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत स्पेशल होने वाली है, क्योंकि हमें मिला है एक चैलेंज जिसको हम बोलते हैं 100 पिजन्स इन 100 डेज चैलेंज, यानी हमें 100 दिनों में 100 कबूतर लेके आने हैं अपने सेटअप पे। तो यार मैं बहुत इंजॉय करूंगा, क्योंकि हमारे सेटअप पे नए नए परिंदे आएंगे, नए नए कबूतर आएंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो आज से इस चैलेंज का आगाज़ हो रहा है, हम आज से ही नए कबूतर लाना स्टार्ट करें। तो आज आपको पता होगा जुमेरात है, और जुमेरात को होती है मंडी, तो जल्दी से हम जाते हैं मंडी, और मंडी से जाके हम अपने सेटअप के लिए प्यारे प्यारे कबूतर लाते हैं। तो मैं बहुत इन्जॉय करूंगा, आप लोग भी बहुत इन्जॉय करेंगे। अभी जो है ना नया कबूतर जो हमें गिफ्ट मिला था ना, वो यहाँ पे बैठा हुआ है, इसको हमने खोल दिया है, आज़ाद कर दिया है। तो यार बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह इस चैलेंज को पूरा करने में, 100 दिन में हमें 100 न्यू हाई फ्लायर पिजन्स लेके आने हैं। तो अभी हम जाने वाले हैं मंडी, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी मज़ेदार वीडियोस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। तो जल्दी से हम निकलते हैं। माशाल्लाह चेक करें, ये प्यारा सा बच्चा यहाँ पे है, और इसके जो अम्मी अबू है ना ये वाले हैं, एक ये और एक ये वाला। अभी हम बात कर रहे हैं, छोटा बच्चा किधर है यार, वो किधर गए हुए हैं? अच्छा अच्छा वो गए हुए हैं, आ रहे हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कितने का देंगे। ये चेक करें दोस्तों, माशाल्लाह ये सारे बजीज हैं, लेकिन इतने प्यारी तरह से इन्होंने ये बनाया हुआ है ना कि बहुत प्यारे लग रहे हैं। और ये सामने लव बर्ड पड़े हुए हैं, और ये केला है, सिंगल है। ये कितना है इसकी एज होगी, एज कितनी है इसकी? कर चुका है एक बार ब्रीड, एक दफा कर चुका है, है। माशाल्लाह चेक करें, जबरदस्त यार, बहुत प्यारा है। एक ही है इसका, पैर नहीं है, ये सिंगल यहाँ पे है। अच्छा है ना बिचो, कोई सही जे काट के दसो ना, जेड़े सही सही जे कबूतर ने उठने वाले चलो इसे पा के ना इधर इधर डाल रहे हैं, अभी जो जो कबूतर हमें पसंद आ रहे हैं, तो देखते हैं भाई जान क्या रेट लगाते हैं। फाइनली हमने पिजन ले लिए हैं, और अभी हम इनको इसके अंदर डाल के ना घर लेके जाएंगे। तो भाई साहब डाल रहे हैं, और 3 पिजन अभी हमने यहाँ से लिए हैं, 3 हाई फ्लायर पिजन, बाकी पिजन भी लेंगे, वो देखेंगे आगे से। तो डालो एक ये वाला, 2 कल सिरे हैं, और एक जो है ना ये सिल्वर कलर वाला, ये वाला, ये वाला भी। ये मुझे फीमेल लग रही है, ये फीमेल है, ये जोड़ा नहीं है, कोई भी है। जोड़ा नहीं है, बस ऐसे ही ले रहे हैं, चला खुद ही जोड़ा लगे। तो दे दें भाई, फाइनली चेक करें। ओके 3 कबूतर मैंने ले लिए हैं, और ये डब्स वही वाली हैं जो पिछली दफ़ा भी आई हुई थी, और मैंने इनकी वीडियो बनाई थी। और नीचे ये मुखी कबूतर आए हुए हैं, ये बहुत प्यारे हैं, लेकिन पट्ठे हैं यार, तभी प्योर नहीं लग रहे, पीछे सारे बजीज हैं यार। वो डब्स वाला नहीं है जो डायमंड डब्स दे रहा था, वो आया था, आया था, आया था। गाइस यहाँ पे लकी पड़े हुए हैं, 1500 का बेयर, 1500-1600 ऊपर वाला, 1500 का नीचे वाला, 1600 का है, ले लो जो बेयर यार। अच्छा मेरे पास बहुत है अल्हम्दुलिल्लाह, लकी है। हाँ जी 2 है ना, बहुत है, वही वाले भाई हैं जिनसे हमने डायमंड डब लिए थे। मोटी शेने चाहिए थोड़ी रेट आई है, कितना आई है? 6,000-7,000 ऑरेंज यार। ये चेक करो भाई, ये वाला पैर हमारे पास पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक अंडे नहीं दे रहा। ये 4,000 का मेरे पास पड़ा है यार, अंडे नहीं दे रहा, सेम टू सेम ऐसा है। दूसरे वो क्रास में, क्रास में वो। अच्छा ये प्योर है, ये प्योर ठीक हो गया, ये हाथ पे ट्रेन है ऐसी छोड़ो। अच्छा अच्छा ये हाथ पे ट्रेन है, करके दिखाओ ना निकाल के, चलो ऐसे उड़ाओ फिर वापस आए तुम्हारे पास। ये देखें जरा, अच्छा पिछली दफा मंडी में आप ही थे जो उधर आपने उड़ाया भी था, शायद आप ही थे ना वो, ठीक ठीक
यार वो पठान नजर नहीं आ रहा आज, किधर गायब हो गया पता नहीं। ढाई हजार का था ना ढाई हजार का दाना बोल रहे भाई साहब यार, ढाई हजार का पेन लिया हमने, हमको दे देना 4000 साथ दे दो अपना वाला, दे दो यार 2500 का दाना दे रहे संटीका, हमने 2500 का पेड़ लिया है भाई। ये चेक करें यार लकी के बच्चे हैं, कितने मंथ के हैं ये, दो दो हफ्ते दे रहे हैं और जोड़ा है पूरा 1000 का। ये अंडे देने वाली मुर्गियाँ चेक करें दोस्तों, कितनी ज्यादा मुर्गियाँ यार यहाँ पे, इस तरह की मुर्गियाँ हमने लेनी है। इसको बता रहे हैं कि इसको फीड किस तरह करवानी है आपने, शिराजी का बच्चा है प्यारा सा इसहाक, अब इसकी बात कर रहे हैं इसहाक यार बहुत क्यूट है, देखो वो लाना पा उस तरह इसहाक बोले कि बाइक के साथ उड़ना चाहिए, लेकिन ये तो शिराजी दोस्तों फाइनली हमने ले लिया ये बच्चा और ये साग अपने सेटअप पे लेके जाएगा। दोस्तों अभी हमारे आ चुके हैं नए कबूतर और अभी हम इनको खोलने वाले हैं, और इनके जो पर है ना वो मैंने बांध दिए थे अभी, तो इन जल्दी से मैं इनको आज़ाद कर देता हूँ छत पे और देखते हैं कि हमारे नए कबूतर कैसे हैं। चलो जाओ चलो निकलो यार, उल्टा होके बैठा हुआ है, चलो जाओ। ये ले पहला हमारा कबूतर गया माशाल्लाह, बिल्कुल ये कमांडो की तरह लगता है और बहुत ही प्यारा कबूतर है। अभी हम दूसरे को निकालते हैं, चलो 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 तुम लोग भी आज़ाद हो जाओ, मज़े करो भाई यहाँ पे आके। ये लें दोस्तों अभी दूसरा कबूतर भी मैंने खोल दिया और ये फुल जो है ना उड़ने की कोशिश कर रहा है, ये दूसरा कबूतर है, ये फुल कलसिरा कबूतर है, बहुत ही प्यारा है। अभी मैं तीसरा निकालता हूँ, तीसरा जो है ना वो इनसे भी प्यारा है और इसका कलर जो है ना मुझे बहुत अच्छा लगा है, क्योंकि इस तरह के हमारे पास पहले भी हुआ करते थे आज से कुछ साल पहले, तो मुझे उनकी याद आ गई थी इसलिए मैं ये वाला कलर ले आया हूँ। ये देखें सिल्वर कलर, इस तरह का हमारे पास पेयर हुआ करता था लेकिन वो बेचारा मर गया था आज से कुछ साल पहले, तो इसको भी हम छोड़ देते हैं माशाल्लाह। ये तीनों हमारे नए कबूतर हैं जो अभी हम ले के आए हैं, एक दो और तीन वो सामने जा रहा है। और दोस्तों सुबह के टाइम जब मैं आया था ना तो हमारी जो फिंचेस हैं दोनों वो डोली के अंदर घुसी हुई थी, इसका मतलब ये है कि हमारी फिंचेस अंडों पे बैठना स्टार्ट हो चुकी हैं और इनके अंडे भी हमने चेक करने हैं कि कितने अंडे हो चुके हैं, तो इंशाल्लाह रात के टाइम में चेक कर लूँगा। कल भी मैंने आपको बोला था लेकिन मैंने इनके अंडे नहीं चेक किए थे, और हमारी ये वाली डब भी माशाल्लाह अंडों पे बैठी हुई है, तो पता नहीं शायद इसके बच्चे इस दफ़ा निकलेंगे या नहीं, लेकिन अभी हम इनके अंडे चेक नहीं किए तो इंशाल्लाह हम इसके अंडे चेक करेंगे कि क्या इसके अंडे फर्टाइल हैं भी या नहीं। और बाकी पिजन्स हमारे अंदर बैठे हुए हैं तो ये जगह इनको काफ़ी अच्छी लगी है, इस जगह पर ये बैठे रहते हैं, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ब्रीड भी हमारे पास स्टार्ट कर देंगे। और ये देखें हमने नया वो सामने अंदर बनाया है ये घर, ठीक है इसका मैं आपको बताऊँगा, और हमारी ग्यूना फॉल जो है ना वो भी अंदर ही होंगी, एक मुझे बोलने की आवाज़ आ रही है दूसरी पता नहीं कहाँ पे चली गई, एक ग्यूना फॉल ये सामने और एक बाहर है तभी ये बोल ही थी, क्योंकि इसका दोस्त जो है ना वो बाहर है और ये इसको आवाज़ें लगा रही है, चलो जाओ बाहर, लेकिन उसको भी आवाज़ें लगा रही है लेकिन वो अंदर नहीं आ रहा। अगर आज हमने डक्की भाई को खोला था, पता नहीं डक्की भाई कहाँ पर है, ये सामने गुस्सा हुआ है नीचे, छे निकलो यहाँ से, डक्की भाई को हम बाहर निकाल देते हैं, वो चला गया इधर आओ, ओहो उधर भाग गया यार, और डक्स वो सामने, इंशाल्लाह ये भी बहुत जल्द अंडे देने लग जाएंगी, काफ़ी दफ़ा देखे कभी वहाँ पे घुसी होती है कभी उस जगह पे, तो ये इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे देने लग जाएगी, और अल्लाह करे यार जल्दी से अंडे दे दे। हमारी वाइट मुर्गी भी कूड़ो के उसके लिए भी अंडे लेके आने हैं, उसको भी अंडों पर बिठाना है, उसके भी बच्चे निकलवाने हैं, तो इंशाल्लाह हमारी वाइट मुर्गी के अंडे भी आने वाले हैं। और डायमंड डस्ट को जो है ना कंगनी जो है ना मैंने डाल दी थी कल, तो अभी तक इन्होंने ख़त्म नहीं की, मैं भी दाना देखने के लिए आया था कि क्या हमारी डायमंड डस्ट को दाना पड़ा हुआ है या नहीं, तो माशाल्लाह दाना अभी तक पड़ा हुआ है, खाती रहेंगी ये। और आज मैंने जाना है वाइट मुर्गी के अंडे लेने, उसके बच्चे निकलवाने हैं, आप सबके लिए सरप्राइज है कि इसके नीचे मैं कौन से अंडे रखूँगा, तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी जो है ना पिजन्स को मैंने छोड़ दिया। तो ये था गाइस आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा, वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं चलो अगली वीडियो में, दाव में आ देखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।